सर, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा लाइटरूम प्रीसेट का यूज करके कुछ इस टाइप की वन क्लिक में फोटो एडिटिंग करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोगों को लाइटरूम मोबाइल के अंदर अपनी फोटो को ऐड कर लेना होगा। उससे पहले गाइस हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ ऑल फोटोज पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद गाइज हम लोग क्या करेंगे, अपनी ओरिजिनल फोटो को सबसे पहले ओपन करेंगे। तो गाइज ये देख सकते हैं आप, हमारी जो ओरिजिनल फोटो है तो कुछ इस टाइप से है। तो इसको हम लोग काफ़ी कम स्टेप में इसको इतना ज़्यादा इम्प्रूव करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर। तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक बिंदु का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर लेंगे सबसे पहले। एंड क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर जो आप लोगों को क्या मिलेगा ना, यहाँ पर आप लोगों को एक टिम्प का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम लोग गाइस इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से डिक्रीज करेंगे एंड हम लोग क्या करेंगे इसकी टिंट वाले ऑप्शंस को गाइस कुछ इस तरह से हल्का सा इंक्रीज करेंगे। एंड इसके नीचे वाली जो ऑप्शन है विवरेंस वाले ऑप्शंस को हम लोग गाइस थोड़ा सा कुछ इस तरह से इंक्रीज करेंगे हल्का सा। एंड अब हम लोग सिचुएशन को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। एंड इतना इंक्रीज करने के बाद गाइस हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं ना कि सबसे पहले गाइस हम लोग इस कलर्स वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देंगे। एंड कलर्स वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देने के बाद ना गाइस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक को ब्लू का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, तो उस पर क्लिक कर लेंगे। एंड उस पर क्लिक करने के बाद जो है हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसकी ह्यू वाले ऑप्शन को जो है हम लोग कुछ इस तरह से थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे एंड इसकी सिचुएशन को हम लोग थोड़ा सा कुछ इस तरह से इंक्रीज करेंगे। एंड हम लोग इसकी लुमिनेंस को थोड़ा सा इस तरह से डिक्रीज करेंगे। और गाइस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर वेलो वाले ऑप्शन पर आएंगे, इसकी सिचुएशन को हम लोग थोड़ा सा कुछ इस तरह से डिक्रीज करेंगे हल्का सा। एंड इसके ह्यू को हम लोग हल्का सा थोड़ा सा कुछ इस तरह से इंक्रीज करेंगे। एंड गाइस अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग इसकी लुमिनेंस को थोड़ा सा कम कर लेंगे। एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे गाइस, थोड़ा सा आपको ग्रीन वाले पार्ट्स पर आना होगा, इसकी सिचुएशन को थोड़ा सा कुछ इस तरह से डिक्रीज करेंगे एंड इसकी लुमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। एंड यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे गाइस कि हम लोगों को आप लोग ये आपका रेड वाले के बगल में एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे एंड इसकी सिचुएशन को थोड़ा सा इस तरह से कम करेंगे एंड इसकी लुमिनेंस को हम लोग थोड़ा सा इस तरह से इंक्रीज करेंगे। और गाइस हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से डन कर देंगे। अब गाइस हम लोग क्या करने वाले हैं तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे ये गाइस, सबसे पहले यहाँ से डन करने के बाद जो है हम लोग यहाँ से सबसे पहले आ जाते हैं बैक। और बैक आ जाने के बाद हम लोग एक प्रीसेट को सबसे पहले ओपन करेंगे। तो गाइस हम लोगों की ये वाली जो प्रीसेट है ना, इसको हम लोग कॉपी करेंगे एंड इसको कॉपी करने के बाद वन क्लिक में ही आपकी फोटो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग देखने को लगेगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर आप लोगों को एक कॉपी सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जो राइट का ऑप्शन है आप लोगों को राइट कर देना है। एंड राइट करने के बाद आप लोगों को ओरिजिनल फोटो को लाना है और या आप ओरिजिनल फोटो आप देख ही सकते हो कि आपकी ओरिजिनल फोटो किस कंडीशन में है। इसको वन क्लिक में ही काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले गाइस हम लोग यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद ऐसे आप लोगों को नीचे एक पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप लोग जैसे ही पेस्ट सेटिंग करेंगे ना गाइस, वन क्लिक में आपकी पूरी की पूरी फोटो कुछ इस तरह से आ जाएगी, जो देखने में काफ़ी बवाल लग रही है। आप अपनी बिफोर एंड आफ्टर भी देख सकते हैं। तो गाइस इसको हम लोग और भी क्वालिटी में लाने के लिए क्या करेंगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। और क्लिक करने के बाद इसकी विग्नेट को हम लोग थोड़ा सा और कम कर लेते हैं गाइस। और कम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इसकी क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं हल्का सा। एंड इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके नीचे वाले ऑप्शंस पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद इसकी डिटेल्स को थोड़ा सा और हम लोग बढ़ा लेते हैं इतना सा। एंड ये वाले डिटेल्स को बढ़ाने के बाद गाइस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना कि इसके नीचे एक और ठीक नीचे एक और डिटेल मिलेगा, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग कुछ इस तरह से इंक्रीज कर लेंगे। एंड हम लोग सर्फिनिंग को तो सर्फिनिंग को हम लोग थोड़ा सा कुछ इस तरह से इंक्रीज करेंगे ताकि आपकी जो है फेस पर काफ़ी अच्छे तरीके से क्वालिटी आ जाए। तो हम लोग सर्फिनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज रख लिए हैं एंड हम लोग क्या करेंगे ना, उसके बाद यहाँ से कर देंगे गाइज हम लोग डन। इसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पर, थोड़ा सा आ जाएंगे इस वाली ऑप्शंस पर और आने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा कुछ इस तरह से इंक्रीज करेंगे एंड यहाँ से शेडोज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और एंड वाइट्स को थोड़ा सा कम कर देंगे गाइज। और यहाँ से आपको थोड़ा सा ब्लैक्स को थोड़ा सा कुछ इस तरह से डिक्रीज करना होगा इस तरह से। एंड यहाँ से आप लोग को ये सेटिंग रखने के बाद यहाँ से कर देना होगा डन। आपकी जो ये वाली फोटो है यहाँ काफ़ी बवाल लग रही है, अब अपने बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं क्या आपकी फोटो में क्या क्वालिटी आई है। तो अब इसको सेव करने के लिए गाइस क्या करना होगा ना, यहाँ पर आप लोगों को एक शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा,
तो इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप लोगों को एक मिलेगा सेव टू डिवाइस का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करेंगे आपकी ये वाली फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। आई होप गाइस आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ भाई लोग अगर चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एडिटिंग जैसे इस तरह के न्यू अपडेट आप लोगों को मेरी इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।